नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस आध्यात्मिक पड़ताल में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में, साथ ही जानेंगे कि वर्तमान में सच्चा गुरु कौन है। गुरु पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्या आप जिनको गुरु मानते हैं क्या वो पूर्ण गुरु हैं या नहीं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या गुरु के बिना मोक्ष संभव है। हम जिस संसार में रह रहे हैं उसमें सांसारिक गुरु हमें संसार से जुड़ी व्यवहारिक बातें, शिष्टाचार और नेक नीति ही सिखा सकते हैं। वे हमें आत्मज्ञान अर्थात हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, हमारे मानव जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, इस तरह जीवन की अनमोल बातें नहीं बता सकते और यह ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही बता सकते हैं। बिना आध्यात्मिक गुरु के मानव जीवन अधूरा है। परमात्म ज्ञान के बारे में हमें पूर्ण गुरु ही बता सकते हैं। शिक्षा हमें सभ्य व्यक्ति, व्यवसायिक और धनी तो बना सकती है, परंतु मोक्ष का मार्ग आध्यात्मिक सद्गुरु ही दिखा सकते हैं। मानव जीवन बहुत अनमोल है। आज हमें मानव जीवन में सर्व सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन काल चक्रव्यूह के कारण यह 84 लाख कष्ट प्रद योनियों भोगने के बाद ही मिलता है। 84 लाख योनियों में कुत्ते, गधे, सुअर आदि का जीवन मिलता है, जिनमें अनगिनत कष्ट उठाने होंगे। ऐसे महापुरुष जो हमें असंख्यों कष्टों से बचाकर पूर्ण मोक्ष प्रदान करते हैं, उनकी महिमा अवर्णनीय है। कबीर साहब जी ने सच्चे सतगुरु की शरण न मिलने से होने वाले दुखों का वर्णन किया है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जैन सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खींचा तान, उनसे कबू न छूटते फिरते चारों खान। कबीर साहब जी ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि आप जी जो बिना गुरु के जो धार्मिक क्रियाएं करते हो, जैसे भी कोई बता देता है वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन इन सब क्रियाओं से कोई लाभ नहीं होगा। कल्याण तो पूर्ण सदगुरु धारण करोगे तभी होगा। और आप जी जानते हैं, श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, उन्होंने भी गुरु बनाए थे। ये तीन लोक के मालिक होकर भी गुरु जी के आगे नतमस्तक होते थे। कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरकीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। इतिहास गवाह है, मीराबाई, रविदास जी, ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण, हनुमान, रावण, नारद मुनि, गुरु नानक देव जी, नामदेव जी, सुखदेव जी, इन सभी ने गुरु बनाए तथा अपने सभी कार्य गुरु जी की आज्ञा लेकर किए और अपना मानव जीवन सार्थक किया। और कबीर साहब जी ने स्वयं पूर्ण परमात्मा होते हुए भी स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। कबीर परमात्मा ने गुरु की महिमा के बारे में कहते हैं कि सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुड़ लिखा न जाए। हिंदू धर्म में गुरु और ईश्वर को दोनों एक समान माना गया है। गुरु भगवान के समान है और भगवान ही गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। अब प्रश्न है कि क्या गुरु के बिना मोक्ष हो सकता है? जी नहीं, गुरु के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। कबीर परमात्मा जी ने बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गर्व योगेश्वर गुरु बिन कीनी हर की शेव, कहे कबीर वेकुंठ से फेर दिए सुखदेव। सुखदेव ऋषि ने बिना गुरु धारण किए ही भगवान श्री विष्णु की आराधना की। जब ऋषि सुखदेव वैकुंठ में पहुँचे, तब गुरु न होने की वजह से भगवान श्री विष्णु ने उन्हें अंदर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी और गुरु बनाने के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दिया। बिना गुरु के स्वर्ग तक प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गुरु के बिना मोक्ष कदापि संभव नहीं है। सच्चे गुरु से ही मोक्ष हो सकता है। वर्तमान में अनेकों संत गुरु पद पर विराजमान है, जिसके कारण भगत समाज के लिए यह निर्णय कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण है कि आखिर सच्चा गुरु कौन है। इस समस्या को हल करने के लिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक प्रथम में लिखा है कि जो संत उल्टे लटके हुए वृक्ष रूपी सभी भागों को भिन्न भिन्न बता देगा, वह तत्वदर्शी संत अर्थात सच्चा गुरु होगा। इस विषय में कबीर साहब जी बताते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधरे बैन विनोद, चार वेद षट शास्त्र कहें 18 वो। जो सच्चा सतगुरु होगा वह सभी धर्मों के सभी पवित्र शास्त्रों से पूर्णतः परिचित होगा। आज के समय में ऐसा गुरु एकमात्र संत रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं।
जो मानव को परमात्मा से मिलवाकर मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। कबीर परमात्मा 600 वर्ष पूर्व काशी में आए थे, जब उन्होंने 5 वर्ष की आयु में 104 वर्ष के रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। अति आधीन रहकर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया। वह समाज को यह उदाहरण करके दिखाया कि जब सृष्टि का पालनहार गुरु बनाकर नियम में रहकर भक्ति कर रहा है तो हम सब किस खेत की मूली हैं। फिर आगे चलकर कलयुग में गरीबदास जी महाराज जी ने कबीर साहब जी को और संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। अब जिन लोगों के मन में यह शंका रहती है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, उनके बारे में कबीर परमात्मा ने बताया है कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो दस पांचा। अर्थात जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिल जाता, तब तक गुरु बदलते रहना चाहिए। उदाहरण बताया है कि जब हमें हमारी बीमारी का इलाज एक डॉक्टर से नहीं मिल रहा हो तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब तक पूर्ण गुरु जो शास्त्रों के अनुसार सदभक्ति देकर मोक्ष करवाने वाले नहीं मिलते, तब तक गुरु बदलने में कोई बुराई नहीं है। और सच्चा सदगुरु वही है जो हमारे सभी धर्म शास्त्रों में सिद्ध ज्ञान और सदभक्ति देकर मोक्ष देता है। आज वर्तमान में पूरे विश्व में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे व पूर्ण गुरु हैं। इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।